बड़वानी बलवाड़ी मनोज ठाकुर हत्याकांड भाजपा नेताओं ने एसपी भुटिया के पहुंचने के बाद यह धरना समाप्त। पुलिस अधीक्षक ने मामले के उच्च स्तरीय जांच समिति बांधने की कही, तब जाकर माने भाजपा नेता और परिजन शव को उठाया। एमपी यूजकास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ये मेरे को मालूम है, तैयार है ना, बात सुनो, ये साजिश का हिस्सा है कांग्रेस का, मेरे को साजिश का हिस्सा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं आया? हाँ। तो ये साजिश का हिस्सा है, वो अगर आप जांच करेंगे तो जांच में आप इनको सबको सहयोग अच्छा करना, राजनीति के दबाव में मत आना। नहीं आएंगे सहयोग इतना। हाँ, अगर आप राजनीति में आ गए, नहीं आएंगे बाबा, बात सुनो, राजनीति के दबाव में आ गए तो इनका तबादला हो जाएगा। जब हम आएंगे, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर आगे चीफ पुलिस कैप्टन क्या होगी। एक मनोज ठाकरे नाम के बलवारी के निवासी है, उनकी सुबह हमको रिपोर्ट मिली कि बॉडी गाँव में फंसाई नेचुरल डेथ है और इसमें स्कोप है, मर्डर का स्कोप है, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग और हमने अपने एक्सपर्ट के टीम्स से सैम्पलिंग ले लिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार राजनीतिक साजिश की बात कर रहे हैं। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। आज हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने दे दिया। अदर पॉलिटिकल कमेंट्स आई कैन नॉट गिव। बाकी जो इस केस के रिलेशन में है, इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठित किया जाएगा, जिसकी एडिशनल एसपी अध्यक्ष रहेंगे। अंडर हिज लीडरशिप वी विल कंडक्ट एसआईटी और इसमें जो जितना पॉसिबल एंगल होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन वेरी सून।